अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेटर के बारे में। अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि सर, हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उसमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है या पूरे कार्टन की कॉस्ट होती है, जो उसके अंदर एक्सपेंस नज़र आ रहे होते हैं वो किस चीज़ के एक्सपेंस होते हैं। आज उस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। ये मैं गल्फ मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। एमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर आपने टाइप करना है। एमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये एमेजोन FBA कैलकुलेटर। जब आप इसको ओपन करें तो आप साइन इन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास अकाउंट है तो, नहीं तो आप एज ए गेस्ट इंटर हो जाएं। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये देखिए डॉट कॉम पे चला जाता है। जब डॉट कॉम पे जाते हैं तो गल्फ की मार्केट आपको नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर AE नज़र नहीं आएगा आपको, मेक्सिको, कनाडा, US नज़र आता है आपको यहाँ पे। तो आपने डॉट कॉम को चेंज कर देना है AE में, AE। अब जब हम AE करेंगे तो हम दोबारा गेस्ट एज ए गेस्ट इंटर होंगे, कंटिन्यू एज ए गेस्ट, ठीक हो गया। अब आपने इसको चेंज कर लेना है AE में। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, लोग भूल जाते हैं कि डॉट कॉम आ रहा होता है और उनको AE मिल नहीं रहा होता। तो जब अब इसको चेंज करेंगे AE में तो आपके पास ये AE आ जाए, अरब एमिरेट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप PL की प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जहाँ पर डायमेंशन दें, प्रोडक्ट की वेट दें, यूनिट का वेट दें और कैटेगरी सेलेक्ट करें, यूनिट प्राइस दें, शिपिंग चार्जेस दें, शिपिंग चार्ज कितना है वो देकर आप एस्टिमेट मालूम कर सकते हैं कि आपको कितने क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वो प्रोडक्ट देखेंगे जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है। तो आपने क्या करना है, सर्च अमेजोन कैटलॉग, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब कोई प्रोडक्ट हम देख लेते हैं अमेजोन पे, तो उसकी उसका प्रॉफिट मार्जिन हम चेक कर लेंगे कितना होगा। लेट्स सपोज ये वाला प्रोडक्ट है, अब ये बिक रहा है 11 दिरहम में, ठीक है, 11 दिरहम में ये सेल हो रहा है, हम इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ASIN नंबर लेंगे, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं, जो एक डिजिटल नंबर होता है अमेजोन अलाट करता है हर प्रोडक्ट को। अगर डिफरेंट वेरिएशन हैं तो डिफरेंट ASIN नंबर होंगे, अगर डिफरेंट साइजेस हैं तो उसका ASIN नंबर भी डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इस ASIN नंबर को, और यहाँ पर पुट कर देना है, हमें सर्च करना है इसको। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट आ गया। अब अगर आप ये है, एक है अमेजोन फुलफिलमेंट, एक है यूर फुलफिलमेंट। अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपको ये वाला कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अगर अमेजोन की फुलफिलमेंट है तो फिर आपको ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ये उसके तो एक्सपेंस होते हैं। अब ये प्रोडक्ट 11 दिरहम में सेल कर रहा है, लेट सपोज आपने इसमें कॉस्ट डाली है 5 दिरहम, आपको 5 दिरहम में ये पड़ रहा है और इसकी 11 दिरहम में आप सेल कर रहे हैं तो 3 दिरहम आपको प्रॉफिट हो, 3 दिरहम आपको लॉस हो रहा है, सॉरी। अब ये चेक करें, 11 दिरहम में आपने सेल कर रहे हैं और आपको 5 दिरहम इसकी कॉस्ट है तो ये आप लॉस में है, क्योंकि 1 दिरहम अमेजोन फुलफिलमेंट अमेजोन फीस है और इसकी 8 दिरहम फुलफिलमेंट कॉस्ट है, तो स्टोरेज फीस इसकी 0 है, 8 और 9 दिरहम तो ये हो गए, तो ये 3 दिरहम लॉस में जा रहा है। तो आप कैलकुलेट करके प्रॉफिट, ये एक यूनिट की प्राइस है, ये एक यूनिट की कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट ले रहा है ना एक यूनिट की ले रहा है, ये पूरे कार्टन की नहीं है या 50 यूनिट की नहीं है या 100 यूनिट की नहीं है, ये एक की है। अगर इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 2 दिरहम फिर भी आपको लॉस में है या ब्रेक इवन पे है फिर भी आपको लॉस है, अगर आप 11 दिरहम में सेल करते हैं इस प्रोडक्ट को, जो सेल कर रहे हैं 11 दिरहम में ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ऑलरेडी 11 दिरहम में, सॉरी 11 में नहीं, इसने अच्छा 12.22 इसने डिलीवरी चार्जेस भी डाले हुए हैं, इसका मतलब इनको ये बारे में नहीं आता, 12.22 इसमें ऐड करें, 23.22 में करते हैं,
23.22 करते हैं, ये सेलिंग प्राइस है। और 5 दिरहम डालते हैं इसका सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, 5 दिरहम डालते हैं। अब आपको 8 दिरहम प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उन्हें डिलीवरी चार्जेस डाले हुए थे, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो भी कॉस्ट में ऐड होते हैं। ये रिसीव करने के लिए इधर डाल देते हैं ताकि लोग ये समझे कि इसके 11 दिरहम कॉस्ट है। जब आप पे करते हैं डेबिट कार्ड से तो उनको ये भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप ये समझते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये पूरे कार्टन की है या 1 यूनिट की है। भाई ये 1 यूनिट की कॉस्ट है, जो आप 1 यूनिट सेल करेंगे स्टोरेज कॉस्ट उसकी इतनी है, स्टोरेज कॉस्ट उसकी स्टोरेज कॉस्ट 0 है, फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी 8 दिनों में और अमेजोन फीस इसकी 1.86 है, ये मेन कॉस्ट होती है। अगर आप इसकी थोड़ी और बढ़ा देंगे, ये देखें एस्टिमेटेड सेल, एक सेल के ऊपर ये होता है, अगर इसकी थोड़ी और सी ज़्यादा कर दें प्राइस, अगर आपको 6 दिरहम में ये मिल रहा है, जो आपको सप्लायर प्राइस देगा विद डीटीपी, डीटीपी प्राइस जो देगा वो आपने प्राइस जहाँ पे ऐड करनी है, सारे खर्चे निकाल के ऐड करनी है, अब आपको 7 दिरहम प्रॉफिट होगा। अगर आपको 8 में पड़ रहा है तो फिर आपको 5 दिरहम प्रॉफिट होगा, 20.22.63%, ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कैलकुलेटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर amazon.com पे चला गया US की मार्केट में तो आपने .ae पे लेकर आना है उसको, प्रोडक्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है सर्च amazon कैटलाग, जो amazon की कैटलाग के अंदर प्रोडक्ट है वो हमने मी टू वाली प्रोडक्ट देखनी है, और ये पर यूनिट के हिसाब से जो सेल हो रही है प्रोडक्ट, ठीक हो गया, तो उसका ये प्रॉफिट आ रहा है। ये पूरे कार्टन का नहीं है, 100 यूनिट्स का भी नहीं है, ये 1 सेल का वो आपका आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने यही प्राइस यहाँ पर देखनी है, लेट सपोज आप कहते हैं 23.22, ये अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं और इधर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ये 8 दिरहम, यहाँ भी चेक कर लेते हैं यहाँ क्या आता है, इधर आपको 13 दिरहम प्रॉफिट हो रहा है, इधर आपको, लेकिन इसमें शिप आपने खुद करना होगा, इसमें शिपमेंट शामिल होती है, अमेजोन शिप करके देगा, डिलीवरी भी फ्री होती है इसमें, अमेजोन जब डिलीवर करेगा अमेजोन उसको क्लाइंट को, लेकिन जब आपने डिलीवर करना है या तो आपका सप्लायर देगा डिलीवरी करके आएगा, फिर तो आपको 13 दिरहम बच जाएंगे। अगर आप इजी शिप लेंगे तो इजी शिप की चार्जेस भी 13 से 15 के दरमियान होते हैं, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं है, इसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड है जो अमेजोन कस्टमर तक पहुँचाता है। अगर आपने ये वाला आइटम देखना है फॉर श्योर फुलफिलमेंट कॉस्ट देखनी है तो आपको ये वाला सेलर एज ए सेलर यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट देनी पड़ेगी सिर्फ ये वाली, और इसमें आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट नहीं सॉरी अमेजोन की फीस देनी पड़ेगी, फुलफिलमेंट कॉस्ट सिर्फ आपको यहाँ पर देनी पड़ती है, यहाँ पर नहीं देनी पड़ती, वो आपको यहाँ पर बच जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। उम्मीद है ये क्लियर है ये चीज़ कि ये 1 यूनिट की कॉस्ट है जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।